चलें जी। और ये शो स्क्रीन सबको। जी सर, हो रही है। और ये चलें आ गया जी। फ्रॉड कलियन आर इन ऑब्टेनिंग जजमेंट आर इनकम्पिटेंस ऑफ कोर्ट में भी प्रूव्ड। अब जो फ्रॉड है या कलियन है, ठीक है, धोखाधड़ी वगैरह, ठीक है, ये भी आपका जो होगा वो जजमेंट ऑफ ट्रेनिंग और कम्पिटेंस में भी प्रूव्ड, जो फ्रॉड वगैरह का वो उसको प्रूव किया जाएगा। कहता है एनी पार्टी टू सूट और अदर प्रोसीडिंग मे शो दैट एनी जजमेंट ऑर्डर और डिक्री विच इज रेलिवेंट अंडर द आर्टिकल 54(5)(6) एंड विच हैज बीन प्रूव्ड बाई द एडवर्स पार्टी। अब दूसरी पार्टी ने उसको एडमिट किया है, दूसरी पार्टी ने उसको एडमिट किया है, वॉज डिलीवर्ड बाई कोर्ट नॉट कम्पिटेंट टू डिलीवर इट, इट वॉज ऑब्टेन बाई फ्रॉड। अब वो कहता है कि कोई ऐसी जजमेंट जो उसको कोर्ट ने पास किया है, जिसकी कम्पिटेंस कोर्ट कम्पिटेंट नहीं रखती थी, उस कोर्ट ने पास किया तो उसको प्रूव किया जाएगा। या कोई जजमेंट आप कहते हैं कि आपके ये फ्रॉड से रिलेटेड, ये जजमेंट आपकी जो है वो फ्रॉड से ली गई है, तो उसको प्रूव किया जाएगा। इसको आप रेड विथ करेंगे 12-2 के साथ। 12-2, 12-2 कोई बता सकता है? आर्डर सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 CPC। सर वो एप्लीकेशन है ना, अगर वो कोई फ्रॉड वगैरह हो तो उससे रिलेटेड। हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर कोई डिग्री फ्रॉड के थ्रू ली गई है किसी कोर्ट से, तो फिर आप 12-2 की एप्लीकेशन दे के तो उसको कर सकते हो, हाँ जी सेटिसफाइड करवा सकते हो हाँ उस जी उसी को। बिल्कुल सर ऐसे ही है। उसमें तीन ग्राउंड है ना, एक फ्रॉड है, एक मिस रिप्रेजेंटेशन है, और एक ज्यूरिडिक्शन के रिलेटेड है। वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन, ठीक है, कि कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं बनती थी, या फ्रॉड हुआ है, या मिस रिप्रेजेंटेशन, बिल्कुल यही तीन ग्राउंड्स हैं। ठीक हो गया, यही तीन ग्राउंड है। चलें जी आगे चलते हैं। आगे है जी आपका मेन जो टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका आज ये करेक्टर से रिलेटेड है। ठीक हो गया, और करेक्टर से रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं अक्सर, ठीक है, ये अक्सर आपसे पूछ भी लेते हैं। चलें जी अब हम इसको पढ़ते हैं, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, एक्सपर्ट ओपिनियन। ये इसको हैंड राइटिंग में भी आ जाता है, हैंड राइटिंग के बारे में आपसे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। कहता है जी ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट के बारे में आपको कोई बता सकता है कि क्या चीज़ है? कोई अपना आप अपने व्यूज दें, एनीवन। सर ओपिनियन ऑफ सर, ये इसमें मैं बताता हूँ कि अगर कोई मतलब मैटर डिस्प्यूट है बिटवीन पार्टीज, तो एक बंदा कहता है कि ये मेरी हैंड राइटिंग नहीं है, तो फिर वो अगर किसी तीसरे बंदे के पास वो मैटर लेके जाते हैं जो कि एक्सपर्ट है इस बात का कि वो हैंड राइटिंग जो है वो देख के बता सके कि ये हैंड राइटिंग किस बंदे की है, तो उस सिचुएशन में वो फिर जो उसकी एक्सपर्ट उसकी ओपिनियन जो होगी वो रेलेवेंट होगी। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। और कोई डिफाइन करे जब इसको। कि मतलब सर क्रिमिनल्स एक्सपर्ट की ओपिनियन वो होती है सर, फॉर एग्जांपल अगर कोई कोई लड़ाई झगड़ा हो गया तो वो एमएलसी के लिए हॉस्पिटल ले गए, तो जो एमएलसी काट रहा होता है वो उसकी ओपिनियन देता है, वो एक्सपर्ट ओपिनियन होगी। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही, ये भी ठीक है। जिशान साहब आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? मेरा खाने वाल सर। खाने वाल, ठीक हो गया, ठीक हो गया, आपने जी मैसेज सर, किया था, ठीक हो गया। अच्छा जी जी सर, थैंक यू आपके हो गए, 2 साल सर। पूरे हो गए आपके? जी मुझे हो गया, मुझे 2.5 साल हो गया सर। ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलें जी अच्छा सर जी, और कोई सर स्केचेस भी बनाए जाते हैं क्रिमिनल्स के। क्या चीज मैडम? स्केच, जी, जो एक्सपर्ट्स होते हैं सर, वो क्रिमिनल्स के स्केचेस भी बनाते हैं ना, जो स्केच्स होते हैं। मैडम वो सही कह रहे हैं कि वो जिसको हम कहते हैं कि नक्शा बिला स्केल और विद स्केल और बिला स्केल, ठीक है, जिसको इनसाइट प्लान कहते हैं, साइट प्लान कहते हैं,
ठीक हो गया। साइट प्लान एक तो आपका वो जो आईओ होता है वो जाके साइट प्लान बनाता है, जिसको नक्शा वकुआ कहते हैं, ठीक है, वकुए का जो नक्शा बनाता है वो साइट प्लान होता है। उसके बाद वो बनाता है वो विद द आउट स्केल, मतलब उसको वो अपना कोई स्केच वगैरह नहीं बनाता, ठीक हो गया। उसके बाद जो ओपी एक्सपर्ट जाता है वो जाके बनाता है, वो भी आपका उसमें आ जाता है एक्सपर्ट ओपिनियन में। मैडम आपने बिल्कुल ठीक कहा है नहीं, जो सर, वो चेहरे मेरे के जो पदोपाल को होते हैं, मुजरिम चेहरे मानता के जो स्केच बनता है जो सर, स्केच अक्सर बनाते हैं एक्सपर्ट्स जो होते हैं उसके क्लूज जरिए पर्सन काफी का, मुजरिम पकड़े जाते हैं, पकड़े यानी गए एक हैं। पर्सन बोले, एक पर्सन आप सर, जो क्रिमिनल्स होते हैं अक्सर उनके जो चेहरे के खदुखाल होते हैं, जो उनका चेहरा होता है सर, उनकी स्केचेस बनाए जाते हैं, इसके जरिए भी काफी लोगों को पकड़ा गया है, तो पकड़े हाँ जी, जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये PFSA में ये भी ठीक है, ये भी आपका रेलिवेंट होगी। जी मुजम्मिल साहब आप क्या कह रहे थे? हाँ मैं यही कह रहा था कि मैडम, असल में आप दोबारा जो मैडम ने कहा है वो मैं यही कह रहा था कि ये कहना चाह रही थी मैडम कि जो जी मुजरिम का शक्ल या उनका खदोखाल जो बनाए जाते हैं वो भी इस रेलिवेंट ही होगा ना सर। ठीक हाँ जी है ठीक हो गया, यही कुछ है। चलें जी अब हम इसको आगे डिटेल के साथ पढ़ते हैं। अब मैं आपको इसको बारे में ये बताऊं कि मैं सपोज के आप देखें जी, ये मैंने जो है ना 2018 में ये साकिब निसार आए थे लाहौर, लाहौर रजिस्ट्री में, संडे का दिन था, मैं और फिर मेरा दोस्त चले गए थे, इनको जाके सुना, उधर एतजाज हसन साहब भी आए थे। उस टाइम चल रहा था ये पानी का इशू, ठीक हो गया, पानी का इशू चल रहा था कि वो कह रहे थे कि पानी नीचे से हमारा पानी खत्म हो रहा है और नेस्ले वाले हमारा पानी भर के हमें जो है 30 रुपए की लीटर बोतल दे रहे हैं, ठीक है, 50 रुपए की लीटर की बोतल दे रहे हैं, तो ये क्यों कर रहे हैं, साकिब ने साहब कह रहे थे उस टाइम। फिर वो एतजाज हसन साहब भी वो खड़े थे, वो नेस्ले की तरफ से थे, वो भी आए बाएं शाएं करते रहे, ठीक हो गया। तो वहां पे और साकिब ने साहब ने कहा कि ये देखें जी आप इतनी पाकिस्तान का पानी लेते हैं, ठीक है, और टैक्स हमें कितनी देते हैं, टैक्स हमें देते हैं एक बोतल पे कोई 30 पैसे या 40 पैसे, क्यों ना मैं आपको 1.5 रुपए का दूं, 1.5 रुपए पर लीटर आप टैक्स दें गवर्नमेंट को, क्योंकि पानी तो हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक हो गया, पानी हमारा निकाल के थोड़ा आप क्या मिनरल क्या निकालते हैं, कुछ भी नहीं निकालते। तो फिर वहां पे कोर्ट ने मतलब एक ऑडिट बुलाया, ठीक है, ऑडिट वालों को कहा कि ये आपने ऑडिट करना है कि ये नेस्ले वाले कितनी पानी निकालते हैं और कितनी टैक्स पे कर रहे हैं, और यहाँ पे ये जो ऑडिट वालों की रिपोर्ट होगी वो क्या होगी, वो भी एक्सपर्ट ओपिनियन में आएगी, ठीक हो गया, ये भी एक्सपर्ट ओपिनियन में आएगी। अब इसको हम डिटेल के साथ पढ़ते हैं कि ये ओपिनियन में क्या आते हैं, ठीक हो गया। कहता है कि व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म ओपिनियन अपॉन अ पॉइंट ऑफ फॉरेन लॉ आर साइंस आर आर्ट, ठीक है, अब इसको आपने डिटेल के साथ लिखना है, ये मेरे पास मैंने पहले लिखा हुआ है, मैं आपको बाद में इसको शेयर करूंगा आपको, ठीक है। इसमें वो कह रहे हैं कि व्हेन कोर्ट हैज टू फॉर्म अपॉन द पॉइंट ऑफ फॉरेन लॉ, एक चीज, ठीक हो गया, दूसरी साइंस, दूसरी चीज, तीसरी आर्ट, आर्ट पे, तीसरी चौथी आइडेंटिटी, आइडेंटिटी में दो चीजें आ जाती हैं, आइडेंटिटी ऑफ हैंडराइटिंग एंड आइडेंटिटी ऑफ फिंगर इंप्रेशन, हैंड राइटिंग और फिंगर इंप्रेशन, फिंगर इंप्रेशन जैसे वो आप देखते हैं ना कि ये जी ये देखें ये इस पे वो जो पिस्टल है इस पे इसके हाथ आखिरी निशान, इसके हाथ के निशान है, इसने आगे फायरिंग की है। अक्सर आप मूवीज में भी देखते हैं कि ये पिस्टल के बताते हैं कि ये देखें ये तो मेरा पिस्टल है ही नहीं, आप वो अजनबी मूवी देखें तो वो कत्ल हो जाता है, ठीक है, बाद में वही पिस्टल लेके आ जाते हैं, वो कहते हैं कि ये इस पे तो मेरे हाथ है नहीं, जबकि उस हाथ पे उसने जो है वो एक वो जो मास्क होते हैं, ठीक है, वो हाथ पे जो दस्ताने होते हैं जो कि फैब्रिकेटेड होते हैं वो लगा लिए थे अक्षय कुमार ने, और उसने जाके बोतल से जो है मर्डर कर दिया था। तो ये क्या है, ये भी आपके फिंगर इम्प्रेशन है, ठीक है, वो कोर्ट में मतलब ये भी PFSA देख लेती है कि आया के लास्ट ये इस पिस्टल पे या इस वेपन पे किसने किसके हाथ लगे हैं, आखिरी दफा किसके हाथ लगे हैं, ठीक हो गया। जैसे अक्सर आप मूवीज में देखते हैं एक बंदा पिस्टल हाथ से में कोई कपड़ा वगैरह या कोई पेपर वगैरह या कोई वो जैसे दस्ताने वो लगा के कत्ल करता है, और वो वही पिस्टल आप वो थमा देता है हीरो को,
कहते हैं ये देखें, बाद में पुलिस आ जाती है, वो कहते हैं ये देखें इसके हाथ में पिस्टल है और इसने ही मर्डर किया है, ये है फिंगर इम्प्रेशन। ठीक हो गया? सर पूरा वो सीआईडी भी है एक ड्रामा, हाँ जी, उसमें हाँ भी इस जी, तरह दिख। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, सीआईडी में भी यही कुछ है, सीआईडी में तो स्पेशल यही चीज है। ठीक हो गया? सीआईडी एक्ट पता नहीं कितने सालों से खत्म ही नहीं हो रहा। ठीक हो गया? आ गया जी आपका आई अथेंटिसिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट कौन से होते हैं? वो जो के आपका जैसे नादरा बना है, नादरा का आईडी, आपका आईडी कार्ड बनता है, ये इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स है। ठीक हो गया? जो इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनों से बनाए जाते हैं उसके भी अथेंटिसिटी के आया कि ये ठीक है, ये आप देखते हैं कि जेली आईडी कार्ड बना लेते हैं, ठीक है, जेली आईडी कार्ड बनवा के वो सारा कुछ कर देते हैं। ठीक हो गया? अभी कुछ दिन पहले मैं कोर्ट में गया, तो वहाँ पे एंटी करप्शन कोर्ट में गया, ठीक है, तो वहाँ पे पटवारी आया हुआ था, पटवारी को एविडेंस के लिए बुलाया था। पटवारी कहता है कि मैं सर मैं क्या करूँ, मेरे पास तो एक शनाख्ती कार्ड लेके आए हैं, ठीक है, शनाख्ती कार्ड पे नाम था गुलाम बशीर, ठीक है, तो मैंने शनाख्ती कार्ड दे के गुलाम बशीर की फाद निकाल दी। अब मुझे क्या पता था कि ये गुलाम शबीर इसका ये निकाह जो शनाख्ती कार्ड है ये जेली है, ये देखे मैंने साथ कॉपी भी लगाई हुई है, फर्द तो मैंने ऐसे दी नहीं थी, मैंने फर्द उसकी आईडी कार्ड की साथ कॉपी लगाई है, तो मेरा क्या गुनाह है? तो ऐसा समटाइम नहीं पता चलता नहीं पता चलता कि क्या चीज असल है क्या चीज नहीं है। तो बाद में उनकी अथेंटिसिटी को प्रूव करने के लिए भी कोर्ट ओपिनियन मांग सकती है। ठीक हो गया? अब मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि इसमें हमने पांच चीजें डिस्कस की हैं, मेन हेड पांच है, वैसे ये सात बनते हैं। पांच कौन से हैं कि पहले आपका फाइनल लॉ, फिर साइंस, फिर आर्ट, फिर आइडेंटिटी। आइडेंटिटी दो चीजों में आ जाती है, हैंड राइटिंग, फिंगर इंप्रेशन। उसके बाद पांचवा क्या है? पांचवा आपका है अथेंटिसिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट। अथेंटिसिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट। ठीक हो गया? अब मैं आपसे पूछूंगा, ये आपके अक्सा मुबीन साहबा कौन से आपके मतलब पॉइंट्स जहाँ पे आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन रेलिवेंट होगी? ये सर फॉरन लॉ से रिलेटेड साइंस आर्ट आइडेंटिफिकेशन हैंड राइटिंग या फिंगर इंप्रेशन से इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स। ठीक हो गया? ठीक हो गया जी। नाजगुल साहबा मैडम, नाजगुल साहबा आवाज आ रही है आपको? जी सर कौन से आपके मतलब एक्सपर्ट ओपिनियन, किस पॉइंट्स पे कोर्ट एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकती है? सर कोई साइंटिफिक ग्राउंड्स पे आर्ट से रिलेटेड और हैंडराइटिंग से रिलेटेड, फिंगर इंप्रेशन से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो सर। ठीक हो गया। हाँ जी, सलमान अली, सलमान जी अली सर, आवाज आ रही है आपको? कौन जी सर आ से रही। पॉइंट्स हैं जिस पे कोर्ट अपनी ओपिनियन मांग सकती है? सर ये इसमें पांच चीजें फॉल करती हैं। एक तो फॉरेन लॉ के किसी पॉइंट पे, साइंस या आर्ट के किसी पॉइंट पे, और आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैंडराइटिंग या जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं उन पे जो है वो ले सकती है कोर्ट। और सर यही पांच थे आई गेस। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स की मैंने आपको सीएनएसए की एग्जांपल दी है। इलेक्ट्रॉनिक जी बिल्कुल, इलेक्ट्रॉनिक्स डॉक्यूमेंट्स ठीक हो गया? यही चीजें हैं, इस जी पे सर। कोर्ट अगर ओपिनियन मांग सकती है, ओपिनियन कब कब और किसकी मांगेगी? ठीक है, दी पर्सन जी ओपिनियन ऑफ दैट पर्सन दी ऑन दैट अपॉन दैट पॉइंट ऑफ पर्सन स्पेसिफिकली स्किल्ड, ये देखना है। आपने बेरेक्ट पढ़ना है तो ये चीजें यहाँ पे आपने हाईलाइट करना है। अब ये पर्सन जी आपको, आपसे कोई पूछे कि एक्सपर्ट की डेफिनेशन क्या है, पर्सन हु हैड स्पेसिफिक स्पेशल स्किल, पर्सन हु हैज स्पेशल स्किल, ये आपकी एक्सपर्ट की डेफिनेशन है, और ये आपकी जो डेफिनेशन है ये बेरेक्ट की है, इसको कोई गलत नहीं कर सकता।
तो आपने डेफिनेशंस भी मोस्टली देखनी है कि जो बेरक्स में जो चीज़ डिफाइन की गई है वो आपने एग्जामिनेशन में भी वही चीज़ कोट करनी है, वही चीज़ लिखनी है, इधर उधर नहीं जाना। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप बेरक्स को अच्छी तरह पढ़ के बेरक्स की वर्डिंग लेके आते हैं तो कभी आप फेल नहीं हो सकते। आप इधर उधर मारेंगे तो फिर वो फिर एग्जामिनर की मर्जी है, ठीक है, फिर एग्जामिनर जी, की राइट स्वीट विल पे होगा, ठीक हो गया। आगे कहता है राइट कि सर। ओपिनियन अपॉन दैट पॉइंट से मुराद वही चार पांच हमने जो डिस्कस किए हैं, आप पर्सन स्पेसिफिकली स्पेशली स्किल्ड इन फॉरन लॉ साइंस आर्ट इन क्वेश्चन एज टू आइडेंटिटी हैंड राइटिंग फिंगर ऑपरेशन आर रेलिवेंट, सच पर्सन आर कॉल्ड एक्सपर्ट। एक्सपर्ट कौन होता है? द पर्सन स्पेसिफिकली स्किल्ड, पर्सन स्पेसिफिकली स्किल्ड, ठीक हो गया, ये आपका एक्सपर्ट होता है। हाँ जी बासित अहमद, एक्सपर्ट कौन होता है? बासित अली, जी आवाज आ सर, रही है आपको? हाँ, जी क्या कहता है 59, क्या कहता है? सर 59 ये कहता है कि कोर्ट जो है अपनी ओपिनियन कुछ पॉइंट्स पे ले सकती है उन एक्सपर्ट से, उनसे जो कि मतलब एक फॉरेन फॉरेन लॉ पे एक्सपर्ट हो या साइंस या आर्ट पे, या आइडेंटिफाइड कर सकते हो किसी का हेड राइटिंग, सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन जो कि फिंगर इम्प्रेशन हो गए, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स या किसी भी उस चीज में जो को मतलब जो चीज कोर्ट को जरूरी हो और उसमें जो है ना वो बंदा एक्सपर्ट हो जो कि स्पेशली स्किल्ड हो उस काम में, हाँ जी, तो हाँ जी, उस बिल्कुल बंदे की ओपिनियन जो है वो रेलिवेंट है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक हो गया, यही कुछ है। नेक्स्ट जी, हम नेक्स्ट चलते हैं। कहते हैं जी नेक्स्ट आपका आगे इसके एग्जांपल हम पढ़ लेते हैं। कहते हैं ए में कहता है कि क्वेश्चन इज वेदर डेथ ऑफ ए वाज कॉज बाय पॉइजन, ठीक है। क्या क्वेश्चन ये है कि क्या मिस्टर ए जो जिसको मारा गया है वो किससे, मतलब उसको जहर से मारा गया है, क्वेश्चन यही है। अब कह रहे कि दी ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट एज टू साइम्पटोम्स प्रोड्यूस्ड बाय दी पॉइजन बाय दी पॉइजन्ड विच ए इज सपोज टू हैव डाइड आर रेलिवेंट, ठीक है। अब एक्सपर्ट ओपिनियन की वो पॉइजन से रिलेटेड जो ओपिनियन होगी वो रेलिवेंट होगी, ठीक हो गया, वो उसकी ओपिनियन रेलिवेंट होगी। आगे कह रहा है जी आपका 60, 60 कहता है कि फैक्ट नॉट अदरवाइज रेलिवेंट आर रेलिवेंट इफ दे सपोर्ट आर इनकंसिस्टेंट विद द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट विच आर सच ओपिनियन आर रेलिवेंट। अब कहता है कि एक फैक्ट जो है वो रेलिवेंट नहीं है, एक फैक्ट रेलिवेंट नहीं है। हाँ, वो फैक्ट क्या कर रहा है, वो फैक्ट ओपिनियन एक्सपर्ट के ओपिनियन को सपोर्ट कर रहा है या उसको डिनाई कर रहा है, ठीक है। एक फैक्ट जो कि ओपिनियन एक्सपर्ट ओपिनियन को सपोर्ट कर रहा है या डिनाई कर रहा है वो रेलिवेंट होगा। कब रेलिवेंट होगा? जब वो मतलब जब उस फैक्ट के मेन क्वेश्चन पे वही ओपिनियन पे वही फैक्ट इफेक्ट करेगा, मतलब वही फैक्ट जो है आपका सपोर्ट करे ओपिनियन एक्सपर्ट ओपिनियन को सपोर्ट करे या डिनाई करे, ठीक हो गया, वो सारे रेलिवेंट होंगे। सपोज के आप जैसे के अब देख पॉइजन का आप ले लो, ठीक हो गया, पॉइजन का ले लो। पॉइजन में कहते हैं, पॉइजन में क्या आपको कहते हैं कि ये इस पे पॉइजन मतलब इसने पॉइजन पॉइजन से मरा है या पॉइजन से नहीं मरा। अब इसके एग्जांपल ये है कि अब एक ओपिनियन आ जाती है जी पीएफएसए की, ठीक है, कि ये पॉइजन से मरा है और पॉइजन जो है इसको आखिरी 15 मिनट में दी गई है, ठीक है। अब पता नहीं कि आखिरी 15 मिनट पे ये मतलब जो डिजीज था वो कहाँ पे था और ये दूसरा एक्यूज कहाँ पे था। अब ये सारे फैक्ट्स रेलिवेंट नहीं थे, लेकिन कोर्ट ओपिनियन आ गई है कि 15 मिनट पहले दिया गया है, 15 मिनट वो पहले देखेंगे कि वो कहाँ पे था, ठीक है। और वो ये चीज़ क्या है, 15 मिनट पहले वाली ये सपोर्ट कर रही है उसकी ओपिनियन को, ठीक है। तो ये भी प्रूव किया जाएगा कि पहले 15 मिनट वो पहले कहाँ पे था, ठीक हो गया। ऐसे ही जो फैक्ट्स जो के सपोर्ट करें या इनकंसिस्टेंट हों ओपिनियन के, तो वो रेलिवेंट होंगे।
इसमें फिर वो आपकी एक और एग्जांपल आ जाती है, ठीक है, उसमें वो कहता है कि द क्वेश्चन इज वेदर ए वाज पॉइजन्ड बाई सर्टेन पॉइजन, द फैक्ट दैट अदर पर्सन वाज हु वर पॉइजन्ड बाई द पॉइजन एग्जिबिटेड सर्टेन सिम्पटम्स होम एक्सपर्ट अफर्म आर डिनाई दिस टू बी सिम्पटम्स दैट पॉइजन इज रेलिवेंट। अब वो कहता है कि अगर एक क्वेश्चन ये कि क्या ए जो है जहर से मारा गया है, अगर फैक्ट बताता है कि जो दूसरे लोग हैं जिनको जहर दी गई थी, ठीक है, जिनको जहर दी गई थी वही जहर, ठीक है, वो भी उनको भी एग्जिबिट किया गया है, उनकी मतलब जो उनकी सैंपथिस जो विच जो एक्सपर्ट अफर्म कर रहा है या डिनाई कर रहा है, ठीक है, वो सारे रेलिवेंट होंगे। सपोज के वो कहता है कि वो एक मतलब एक पास एक क्वेश्चन ये है कि क्या ए को जहर दी गई है। अब वो कहता है कि इसके अलावा जो बाकी चार पांच लोगों को जहर दी गई थी उसकी भी रिपोर्ट पीएफएस आई आई है, और रिपोर्ट उसको रिपोर्ट में उसको अफर्म किया गया है कि वो उनको जहर दी गई थी। तो उनकी जो मतलब अब वो जो बाकी पर्सन मरे हैं वो इस केस से क्वेश्चन इन फैक्ट नहीं है, मतलब इस केस में सिर्फ मिस्टर ए की बात हो रही है, बाकी केस जो उनकी अलग एफ आई आर है उनको उन पे वो हमारा क्वेश्चन फैक्ट इन इशू है ही नहीं। अब उनकी रिपोर्ट के बाकी वो जहर से मरे हैं वो उनकी रिपोर्ट अफर्म कर रही है इधर भी एक्सपर्ट ओपिनियन को, तो वो उनकी रिपोर्ट भी इधर रेलिवेंट होगी। सर, यानी कोर्ट देखेगी कि इन सब के जो सिम्टम्स थे इस बंदे के और उनके जो सिम्टम्स हैं, क्या वो सेम है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ये कीजिए, ठीक हो गया। मतलब सिंपल यही चीज है कि कोई भी फैक्ट्स जो के ओपिनियन को सपोर्ट करें या डिनाय करें या इनकंसिस्टेंट विद हों उनके, तो वो सारे रेलिवेंट होंगे। आगे आ जी आपका 61, ये इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछ भी लेते हैं, अक्सर पूछ लेते हैं, ये नंबर ऑफ टाइम्स ये पूछा गया है 61 को, 61 को नंबर ऑफ टाइम पूछा गया है। 51 को आप 61 को आपने डेड विद करना है 59 के साथ, 78 के साथ और 84 के साथ। ठीक हो गया, किसके साथ इनको डेड विद करना है? 59 और 78 और 84। हाँ जी, यूएसओ ठीक हो गया। के हाँ जी, हाँ जी, क्यों ऐसे के, ठीक हो गया। चलें जी, अब हम पढ़ते हैं फिर आगे इसके बारे में हम दोबारा इसको डिस्कस करते हैं। कहते हैं व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू पर्सन बाई होम द डॉक्यूमेंट वॉज रिटन आर साइंड। अब ये क्या है, कोर्ट ने एक ओपिनियन लेनी है कि क्या ये डॉक्यूमेंट जो है, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट पे लिखा गया है या साइन किया गया है, इस पर्सन से लिखा गया है या साइन किया गया है। क्वेश्चन ये है कि क्या ये गिवन डॉक्यूमेंट है ये इस पर्सन से साइन किया गया है और उसके उसने ही लिखा है, ये क्वेश्चन है। कहते हैं दी ओपिनियन ऑफ एनी पर्सन अक्वेंटेड विद दी हैंड राइटिंग ऑफ पर्सन बाई होम इट इज सपोज टू बी रिटन आर साइंड दैट इट वॉज नॉट रिटन आर साइंड बाई दैट पर्सन इज रेलिवेंट। अब वो कहता है कि हर वो पर्सन जो उसकी मतलब लिखाई जानता है वो सारे उसकी ओपिनियन रेलिवेंट होगी, मतलब जो भी लोग उनकी ओपिनियन जानते हैं, मतलब उनकी ओपिनियन को मतलब उसकी लिखाई को जानते हैं, वो सबकी ओपिनियन रेलिवेंट होगी। अब सपोज के अब क्वेश्चन आ जाता है कि मेरी लिखाई का, ठीक है, मेरी लिखाई से मैं आपको डॉक्यूमेंट शेयर करता रहता हूँ, ठीक है, सबको डॉक्यूमेंट शेयर करता रहता हूँ, सब ने मेरी लिखाई देखी है, मेरी लिखाई से सब वाकिफ हैं, अब ये जितनी भी मेरे स्टूडेंट्स हैं वो सबकी ओपिनियन रेलिवेंट होगी, सबकी ओपिनियन रेलिवेंट होगी। अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल दी गई है, एग्जाम्पल में भी यही कहा गया कि एक बंदा बैठा है लंदन में, ठीक है, लंदन में वो खत लिखता है, इधर लाहौर में जो बैठा है बंदा उसको, ठीक है, यहाँ पे उसका एजेंट बैठा है, एजेंट को खत लिखता है, वो कहता है कि आप मार्केट से ये चीजें खरीद लो,
ठीक है, या ये लेटर फलां बंदे को दे दो। अब वो उसका जो एजेंट है वो लेटर फलां बंदे को, जिसको वो कहता है लंदन वाला बंदा, उसको जाके दे देता है, ठीक है। और वो उसने देखा है, वो उसने उसका एजेंट जो है उसको जाके दे देता है। उसके अलावा वो एजेंट जो है एक और उनका सर्वेंट है, जो कि सिर्फ उसका मतलब हिसाब किताब को मेंटेन रखता है, उसका रिकॉर्ड कीपर है, और रिकॉर्ड कीपर को दिया कि ये भी आप फाइलिंग कर दो। तो रिकॉर्ड कीपर ने भी देख लिया कि जी हाँ जी ये राइटिंग है इसकी। अब कौन से पर्सन, उसका एजेंट, उसका जो दूसरा पर्सन जिसको लेटर दिया गया है, और उसका जो सर्वेंट है, ठीक है, जो कि रिकॉर्ड कीपिंग का काम करता है, वो सारे अक्वेंटेड वे होंगे। इन सब की रेलिवेंट स्टेटमेंट रेलिवेंट होगी, ठीक हो गया। यहाँ पे सिर्फ एक बात की गई है, पर्सन अक्वेंटेड विद, ठीक हो गया, समझ आई है आपको? जी मैडम आयशा मुश्ताक साहब क्या कहता है 61? आयशा मुश्ताक साहब सर सर 61 जो है वो एक्सपर्ट ओपिनियंस की बात करता है हैंड राइटिंग के ऊपर, कि अगर कोई बंदा कोई उसकी मखसूस हैंड राइटिंग, जैसे आपने अपनी एग्जांपल दिया और हम सब देखते हैं कि ये हैंड राइटिंग है, तो जैसे कुछ केसेस में ये होता है कि एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है हैंड राइटिंग को टेस्ट करने के लिए, तो जिस अंदाज में वो जिस पैटर्न से जो बंदा लिखता है तो उसके ऊपर किसी एक्सपर्ट का ओपिनियन होगा तो वो रेलिवेंट होगा। यहाँ पे सिर्फ बात की है उन्होंने पर्सन अक्वेंटेड विद, बस। सर इसमें ये कह रहे हैं कि अगर किसी बंदे को मतलब किसी हैंड राइटिंग से वाकिफ हो, ठीक है, जैसे ऑनलाइन कोर्स जो है कि आपको जो है किसी के साथ ठीक है, तो अगर वो वाकिफ है आपकी हैंड राइटिंग से तो उसकी जो ओपिनियन होती है वो रेलिवेंट होती है, या आपका कोई मुंशी है, कोई मैनेजर है, अकाउंटेंट हाँ जी मैडम सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है। इसकी अब हम एग्जांपल पढ़ते हैं। यहाँ पे हमने 61 को यहीं तक आपने रखना है, ठीक है, यहीं पर यहीं तक रखना है। ये पर्सन पर्सन एनी पर्सन अक्वांटेड विद, ठीक हो गया, एनी पर्सन अक्वांटेड विद, ये चीज है, ये आपका मेन, आपका जिसको आप कहते हैं ना कि ऑपरेटिव पार्ट है इस सेक्शन का, ऑपरेटिव पार्ट पर्सन अक्वांटेड विद। अब पर्सन अक्वांटेड विद की नीचे एक्सप्लेनेशन में डेफिनेशन किया कि पर्सन अक्वांटेड विद में कौन कौन से लोग आ सकते हैं, इसको डिफाइन कर रहा है। कल को आपने ये क्वेश्चन करना है तो उस पे आपने ये लिखना है कि पर्सन अक्वांटेड विद, 61 में सिर्फ पर्सन अक्वांटेड विद की बात हो रही है। आगे फिर आपने बताना है कि 60 अब पर्सन अक्वांटेड विद कौन हो सकते हैं, पर्सन जानने वाले कौन हो सकते हैं, उसको हम एक्सप्लेनेशन में पढ़ते हैं, फिर इसकी लिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, तो फिर आपको ये सारा क्लियर होगा, फिर मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, ठीक हो गया। मैं टाइम देख लूं कितनी टाइम रहता है। अब मीटिंग भी एंड होने वाली है, 1 मिनट रह गया है, ठीक हो गया, चलें जी। अभी मैं मीटिंग स्टार्ट करके फिर आप ऐड हो, तो उसके बाद फिर हम नया स्टार्ट करते हैं।